देख रहे हैं सोनू भाई जो है हमारा फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया है। भारतीय टिकट 25 रुपये, विदेशी टिकट 300 रुपये। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं वैशाली, जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है। सर भाई रेडी है मेरा राइडर अभी, और इधर देखिए हमारा सेटअप सब कुछ रेडी है। तो गाइस बने रहिए वीडियो के इन तक, मिलते हैं हम लोग वैशाली पहुंच करके। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल गए हुए वैशाली के लिए, और साथ में है अभिषेक सर्वर जो कि ड्राइविंग कर रहा है, मैं बीच में बैठा हुआ हूँ, अभिषेक पीछे है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से चांदनी चौक, वहाँ पे सोनू भी इंतजार कर रहा है, उसको भी रिसीव करेंगे, और वहाँ से लेंगे राइट भगवानपुर, फिर भगवानपुर हम बस से लेंगे राइट वैशाली के लिए। तो गाइस बने रहे वीडियो के इन तक, और तब तक सफ़र का मज़ा लीजिए। पहुंच गए हैं टोल गेट के पास, जो कि सामने है, दिख रहा होगा आपको, और वैशाली जाने के लिए हमको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। देख सकते हैं टोल गेट है, और पीछे हमारा भाई सोनू ये भी आ गया है साथ में चलने के लिए। हम लोग अभिषेक को पकड़ ही लिए, इसका गाड़ी कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलता है गाइस। ये देखिए अभी मिल गया हम लोग को, बहुत ही आगे चला गया था ये, और ये देखिए ओ भाई लहरिया कट लहरा रहा है बाइक को, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सरैया, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे, देख रहे हैं कितना कष्ट उठा रहे हैं सोनू भाई, अभिषेक भाई, ये सर्वर, और देख सकते हैं गाइस पूरा जाम है चारों तरफ, पता नहीं आज पहुँच पाएंगे भी नहीं पहुँच पाएंगे वैशाली टाइम पे। इसी तरह प्रयास कर रहा है मेरा भाई कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाए वैशाली। एंट्री गेट है, देख सकते हैं इधर बाहर का व्यू, हाईवे है जो कि हाजीपुर पटना जाता है इधर से, और इधर मुजफ्फरपुर। अब निकलेंगे हम लोग अंदर के तरफ, तो चलते हैं। ये दोनों भाई राइडर कुछ ही ज्यादा ही जल्दी में थे, जो सीधा आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को जाना है इसके अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली, ये देख सकते हैं आउटसाइड का व्यू, बहुत ही प्यारा नजारा है बाहर का, इधर नदी है इधर पे, ये कुछ शॉप्स है। गाइस
मैं और सोनू पहुंच चुके हैं, उधर दो राइडर भी है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर इंटर करने, देख सकते हैं इंटीरियर। तो भाई कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना। ये भाई अनएक्सपेक्टेड हम लोग के साथ आ गया, भाई अपना काम छोड़ करके हम लोग के साथ आया है वीडियो में आने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वैशाली कभी नहीं आया था क्या भाई? नहीं इलाज दूसरा बार आया। दूसरा बार आया, चलो भाई आया ना, हम लोग के साथ पहली बार है ना। चलो ठीक है। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली, और देख सकते हैं पीछे जो है हमारा गौतम बुद्ध जी का पीछे स्टेचू रखा हुआ है वहाँ पे। अभी चलेंगे उस पर ऊपर, फिर ऊपर से व्यू देखेंगे कैसा लग रहा है चारों तरफ का एरिया। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं गौतम बुद्ध के स्टैचू पे, चलेंगे ऊपर देखेंगे ऊपर से व्यू चारों तरफ का। और इधर कुछ भाई लोग हैं जो हाय बोल रहे, हाय कर दो भाई। तो गाइज अब हम लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, चलते हैं ऊपर देखते हैं ऊपर से पूरा व्यू। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन में बना हुआ है स्टैचू। क्या हो गया? नहीं कुछ। अरे भाई ये वाला एरिया हमने कवर कर चुका है, अब चलेंगे ऊपर, अब ऊपर का एरिया कवर करेंगे। आज मौसम भी हम लोग का साथ दे रहा है। तो गाइज ऊपर का हम लोग ने कवर कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे के तरफ और नीचे का व्यू देखेंगे। नीचे घूमेंगे गोल पूरा एक राउंड और देखते हैं उधर का व्यू क्या क्या है उधर। क्या सुनो भाई, क्या कर रहे हैं सुनो भाई? ठीक है भाई। फोटोग्राफी कर रहे हैं क्या? कितना चार्ज एक फोटो का? एक फोटो कितना चार्ज लेते हैं? ठीक है चलिए ठीक है भाई। जैन धर्म के लोग हैं यहाँ पे, लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, फोटो शूट करते हैं, और इनफैक्ट अदर अदर कंट्री से भी यहाँ लोग आते हैं। और हम लोग के घर के बहुत पास में ही है, लगभग 35-40 किलोमीटर के आसपास। गाइस देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है इस वक्त, सनसेट भी हमारा बहुत प्यारा है। और ये रहा इधर से फ्रंट व्यू इसका। पंती देखिए इसका कहां जाके बैठा हुआ है, शेर के साथ शेर। यहां पे गाइस इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दो लैंग्वेज भी है, हिंदी और इंग्लिश, जो कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। फाउंटेन है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, ये फेस्टिवल पे ही चालू होता है। जैसे कोई भी जैन धर्म का जो भी फेस्टिवल होता है तो उसमें सबको चालू कर दिया जाता है। अभी तो बहुत कम क्राउड है यहाँ पे, मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल 0%। न्यू ईयर के दिन जब आप आओगे तो गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड मिलेगा आपको इधर। चेक करते हैं चलता है कि नहीं। ओ भाई पानी भी नहीं है इसमें, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था 1 जनवरी को तो गाइज ये सब चालू था, पानी यहाँ से मिल रहा था, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है तब पूरा सिस्टम को मेंटेन कर दिया जाता है। उधर वॉशरूम है लेकिन अभी जो है सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और गाइज सनसेट है ऊपर से, बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो गाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और गाइज 1 जनवरी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है। मैंने कुछ वीडियो शूट किया था 1 जनवरी को जिसका एक ग्लिम्स आपको इसमें हम ऐड कर देंगे। तो गाइज देख लीजिएगा कि 1 जनवरी को कितना ही ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे, लेकिन अभी जो है बहुत ही खाली है। बहुत ही गाइज ऑसम प्लेस है।
फाइनली गाइज हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ का ब्लॉग। अब जाएंगे अशोक चक्र के पास। एंट्री का समय ख़त्म हो गया, अब सिर्फ जो लोग अंदर में है वही लोग अब बाहर आ सकते हैं। जिधर से एंटर किए थे उधर से अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। एंट्री का समय ख़त्म हो गया है। पार्किंग से हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं अशोक चक्र जाने के लिए। मेरा राइडर रेडी है, अभिषेक सरवर मैं बैठूंगा इसके साथ। मैं इसलिए बैठ रहा हूं कि आपको व्यू दिखाऊंगा पूरा। अगर ड्राइविंग करने लगा तो व्यू नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि गोप्रो है नहीं मेरे पास फिलहाल। गोप्रो मेरा भाई राइडर यूज कर रहा है। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अशोक चक्र के पास। ये बाहर का व्यू देख सकते हैं, बाहर मार्केट लगा हुआ है। बहुत ही प्राचीन काल का जो सामान है वो सब यहाँ पे मिलता है। और अंदर जाने के लिए शायद टिकट भी लगता है तो हमें टिकट भी लेना होगा। टिकट काउंटर ओपन है। भारतीय टिकट 25 रुपये, विदेशी टिकट 300 रुपये। ये देखिए टिकट का प्राइस। तो गाइस हम लोग गए थे अशोक चक्र पास लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो वापस से हम लोग आ गए हैं इसमें शांति स्तूप के पास जहाँ पे पहले गए थे हम लोग। वहाँ पे हम लोग का बोटिंग बच गया था तो जाएंगे अभी बोट पे चढ़ेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रिटर्न और जा रहे हैं बोट पे बोटिंग करने। इधर सरवर भाई सोनू अभिषेक पहुँच गया और ये भैया को बोल के रखे थे पहले से कि हम लोग आ रहे अशोक चक्र के पास तो फिर आपके साथ घूमेंगे, लेकिन वहाँ पे बंद था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो हम लोग नहीं गए, वापस चले आए बोट पे। अब जा रहे हैं हम लोग बोटिंग करेंगे, फिर देखेंगे पूरा व्यू इधर से बैठेंगे। चलिए ओ भाई साहब। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं नाव पे। शाम के समय में और भी मजा आता है यहाँ पे घूमने में, मतलब भाई एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा है यहाँ पे। आप लोग भी एक बार जरूर आए वैशाली घूमे और आए तो बोटिंग जरूर करें यहाँ पे। भाई लोग इधर मैं दोस्तों के साथ इधर मस्ती करते हुए, भाई हमको तैरने भी नहीं आता है। भैया कब से नाव चला रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ 4 साल से, 4 साल का एक्सपीरियंस है भैया का, 3-4 साल से। चलिए 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। और गाइज सूरज भी ढल चुका है, हम भी हो गया। मालूम है? नहीं नहीं, नहीं? क्या नाम है पोखरा का भैया? देखो वो फंसा हुआ, देखो वो फंसा हुआ। ये राजा विशाल का तालाब है, आप शेख पुष्करनी इसका नाम है। 25 वर्ष पुराना। तो गाइस ये बहुत ही ओल्डेस्ट रिवर राजा विशाल अपने यूज के लिए बनाए थे। क्या नाम अभी आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सहनी। राजीव कुमार सहनी यहाँ पे आइए, किसी से पूछिए राजीव कुमार सहनी बता देंगे। आइए इन्हीं के नाव पे आप लोग घूमिए, भैया बहुत ही आराम से पूरा व्यू घुमाएंगे आपको, पूरा हिस्ट्री बताएंगे यहाँ का। तो फाइनली ट्रिप हो गया हम लोग का ख़त्म, बोट पे भी हम लोग घूम लिए। अब चलते हैं ऊपर बाइक के पास, वहाँ वहाँ पीछे बाइक लगा हुआ है, बाइक लेंगे और निकल लेंगे घर। तो हमारा वीडियो का था यहीं पे द एंड। और गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
मैं ड्राइव करूंगा, वो हेवी ड्राइवर है भाई, बहुत तेज चला रहा है। इधर से जाऊंगा आराम से घर, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।